नमस्कार, डीएनएच न्यूज लाइन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दमनगंगा नदी से पानी का चोरी करने वाले लोगों के ऊपर रेवेन्यू विभाग ने की फिर कार्रवाई। बताया जा रहा है कि दादरा नगर हवेली के दादरा पटेलाद के बागधारा गांव में दमनगंगा नदी से अवैध रूप से पानी भरते हुए एक टेम्पो जिसका गाड़ी नंबर है DN09G9631 को राजसभा विभाग द्वारा पकड़ा गया, जिसे आगे की कार्यवाही के लिए दादरा पुलिस स्टेशन में जमा करा दिया गया है। आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले भी प्रशासन की ओर से सिलवासा मामलादार ने पानी का दोहन करने वाले को रंगे हाथों पकड़े थे और प्रशासन की ओर से सख्त हिदायत दी गई थी कि कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति अवैध रूप से नदी से पानी का दोहन ना करें, वरना उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दादरा के बागधारा गांव में दमनगंगा नदी से कुछ लोगों ने पानी की चोरी कर रहे थे, जिसकी जानकारी रेवेन्यू विभाग को मिली। जानकारी मिलते ही तुरंत ही रेवेन्यू विभाग की टीम ने पहुंचकर एक टेम्पो को पकड़ा और आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस स्टेशन में जमा करा दिया। हर एक खबर हमने आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए डीएनएच न्यूज लाइन। अगर अभी तक आपने डीएनएच न्यूज लाइन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दें, ताकि दादरा नगर हवेली दमनदीप एवं आसपास के सभी खबरों से हमने आपको सबसे पहले रूबरू करवाता रहूं। धन्यवाद।